एक बोट धारा के विरोध में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर गई कितने घंटे में, और वही बोट धारा के विरुद्ध 40 और धारा की दिशा में 55 जाने में 3 घंटे ज्यादा समय लेती, यानी 10 की जगह। तो यहाँ जो समय है कुल दिया है, क्या दिया है, तो आपको V और U याद करनी है। 7 जल में बोट की चाल बताओ और धारा की चाल, तो देखो ये डायरेक्ट नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे तो हम V माइनस या V प्लस ही निकाल सकते हैं क्या। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो समय दिया है 10 घंटा 13 घंटा वो दोनों का दिया है, क्या दिए, ठीक है। तो हमें जो है ये जो है 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्या है, और जो समय है वो कुल समय है, क्या है, ठीक है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि चूंकि ये धारा के विरुद्ध दूरी है और ये धारा की दिशा में दूरी है और समय क्या है कुल। तो वैसे आप सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है और चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। और डेफिनेटली हम धारा की दिशा में चाल बी प्लस मानते हैं और धारा के विरुद्ध चाल क्या मानते हैं, हमने एक ही बात। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में यह पहली बात ये और ये दूसरी बात, तो यहाँ पहली बात में ध्यान से देखें कि धारा के विरोध में 30 किलोमीटर गई होगी, कितना, और निश्चित तौर पर किस चाल से गई होगी, V प्लस के भी माइनस, ये कोई सोचना नहीं, विरोध में जाएगी तो विरोध की चाल से जाएगी और दिशा में जाएगी तो सपोर्ट मिलेगा V प्लस चाल से। तो यहाँ भी कुछ समय लगा होगा और यहाँ भी कुछ समय लगा होगा, ठीक है, लेकिन कुल समय कितना लगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं निकालो समय कितना लगा होगा तो आप बोलेंगे समय बराबर क्या होता है, बोले बोले दूरी और बटे चाल, कौन सी चाल, कौन सी चाल, V माइनस चाल, और यहां भी समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, कौन सी चाल, V प्लस, लेकिन कुल समय पूरा समय कितना लगा, पक्का। अच्छा ये एक बात थी और ये दूसरी बात थी, क्योंकि सवाल में कहा 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 44 किलोमीटर दिशा में जाने में कुल 10 घंटे, फिर आगे दिया नहीं लेकिन विरोध में 40 है और दिशा में 55 जाए तो कुल 3 घंटा ज्यादा, यानी 10 की जगह 13, ऐसे सवाल। तो अब दूसरी बात तैयार करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, विरोध में गई कितना, तो कितना गई और किस चाल से गई होगी, समय कितना लगा होगा, कितना यहाँ भी समय लगा होगा, कितना गई 55, किस चाल से V प्लस चाल, ठीक है ना, और टोटल समय कितना लगा। अब देखो इनको हल कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, जैसे 30 और 40 का मान बराबर कर ले, अभी हल भी करें क्योंकि हमें बस इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है ना, हम युग का समीकरण या द्विघात समीकरण हल करें। तो हम क्या अपने मन से कुछ आइडिया लेंगे, देखो V और V माइनस और V प्लस यहाँ भी और यहाँ भी, तो कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मतलब गेस करके हल करें, जैसे 30 है और ये क्या 40 है, दोनों V माइनस से क्या होंगे कटे, और 44 है और 55 है ये दोनों V प्लस से, और समय पूरा पूरा आ रहा है, दशमलव का कोई चक्कर नहीं होगा, हमें मालूम है 44 और 55 जो है किससे करते हैं, किससे करते हैं, ऐसा तो नहीं यार V प्लस 11 हो सकता है, अनुमान लगा तो एक बार हो सकता है V प्लस क्या हो, तो 11 चौको 4 घंटे का और 11 बजे, अच्छा अगर ये टोटल कितना घंटा है 10 और ये 4 घंटे है तो इसको क्या होना चाहिए 6 घंटा। अब 6 घंटा लाने के लिए 30 में किसका भाग देगी 6 5 का, तो हो सकता है यार ये क्या हो 500 क्या हो, अगर ये 5 है भैया तो ये भी क्या होगा, तो 5 से 40 कटेगा ये कितना घंटा देगा, अच्छा 8 घंटा और 5 घंटा जुड़कर क्या हो रहे हैं, और 6 घंटे और 4 घंटे, यानी पक्का है क्या कि जो हमारा अनुमान है कि V प्लस कितना है और V माइनस कितना है वो एकदम एग्जैक्ट है। देखो एक जगह बात गलत हो सकती है लेकिन सारी जगह सही है, देखो 6-4 कितना हो रहेगा, 8-5 कितना हो रहेगा, तो हम इसे हल नहीं करेंगे, हम कहेंगे पक्का 11 है 5 है तो भी बताओ 11 5 के
बीच में आठ है ना, पांच छह जाएगा तीन बढ़ जाएगा, और तीन क्या है भाई? अरे बोलो, तो हम एग्जाम में इसी तरह हल कर लेंगे, ठीक है ना? तो यही करना है आगे भी, लेकिन हम प्रोसेस भी सीखेंगे। अब एक बार पहले उतार